बच्चों, आज इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम अगर कहते हैं केशव, और यहाँ पर केशव प्रतिदिन विद्यालय जाता है, केशवः विद्यालयं गच्छति, और उसकी जगह अगर हम कहें कि सः एकः श्रेष्ठः छात्रः अस्ति, वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे वह जो सर्वनाम शब्द है वो केशव की जगह पर प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये सर्वनाम है। तो यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में जैसे तद, इदम, अस्मद, युष्मद आदि संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों के भी 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, तथा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इनके रूप प्रथमा से सप्तमी तक जो है वो 7 विभक्तियों में होते हैं, केवल संबोधन नहीं होता। तो यहाँ पर ये मुख्य बात है, जैसे कि सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं होता। अब सबसे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखेंगे कि बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए, सुनने वाले श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षिका ने छात्राओं से कहा, मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब उसे ध्यान से सुनो, जो बाहर खड़े हैं वे भी सुन सकते हैं। तो इस उदाहरण में शिक्षिका जो है वो वक्ता है, उसने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है, सुनने वाले बच्चों के लिए तुम का प्रयोग किया है और तथा अन्यों के लिए वे का प्रयोग किया है। तो सामान्यतः बातचीत का संबंध 3 व्यक्तियों से होता है, इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जैसे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम और इसमें जो है वो सबसे पहले प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, उसके बाद फिर मध्यम पुरुष, और इसके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर जो है इसके 3 वचन होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम आता है वह होता है सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में होता है सा, ते, ता, और त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सर्वनाम शब्द होते हैं। वह, वे दोनों, वे सब, और ये स्त्रीलिंग में वह, वे दोनों, वे सब, तुम, तुम दोनों, तुम सब, अहम यानी मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और इसमें जो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है अहम, इसका शब्द जो है अस्मत के अंतर्गत चलता है। अस्मत मतलब मैं, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, अलग अलग विभक्तियों में अलग अलग रूप बनते हैं, और इसी तरह से युष्मत का भी बनता है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो इस तरह से तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकम, त्वयि
योयोः युष्मासु और तत् पुल्लिंग में और इसी तरह से स्त्रीलिंग में सा ते ताः ये प्रथमा विभक्ति में आता है, एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता। और इसी तरह से नपुंसक लिंग का शब्द तत् ते तानि बनता है और ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक समान होता है तत् ते तानि। उसके बाद फिर इसका रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह चलता है, तीन ताभ्याम तैव, ये पूरा जो है वो पुल्लिंग की तरह इसका रूप चलता है तत् की तरह। और इदम यानी कि यह, इदम यह स्त्रीलिंग में और इदम यह नपुंसक लिंग में, तो वह और यह दोनों का यहाँ पर रूप दिया हुआ है। तो और एतत् ये जो है पुल्लिंग में एतत् यह के लिए प्रयोग किया जाता है। और किम का अर्थ होता है कौन, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में रूप चलता है। और नपुंसक लिंग का जो रूप होता है वो प्रथमा द्वितीय के बाद पुल्लिंग की तरह उसका रूप चलता है। और जगह बताने के लिए कुत्र का प्रयोग किया जाता है, स्थानवाचक जो शब्द होता है उसकी जगह पे प्रश्नवाचक जो शब्द प्रयोग होता है वो कुत्र का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से समय बताने के लिए कदा का प्रयोग, कब। तो अब हम लोग यहाँ पर दिए गए प्रश्नों को करेंगे अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से कदा प्रश्न दिया गया है। अभ्यास कार्य हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर उत्तर एक करेंगे। निम्नलिखित में तत् सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो सा का प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग है तो सह का प्रयोग करेंगे। तो क में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सा, सा बालिका। और ख में हम लोग प्रयोग करेंगे तत्। ग में प्रयोग करेंगे ते, क्योंकि ये सैनिका पुल्लिंग का बहुवचन है इसलिए ते का प्रयोग होगा। और घ में प्रयोग करेंगे सह, पुल्लिंग है तो सह का प्रयोग, एक वचन में सह का प्रयोग होगा। अंग में यहाँ पे तत् का प्रयोग करेंगे, तत् भवनम। और बालकौ यहाँ पे पुल्लिंग का द्विवचन है तो तौ बालकौ हो जाएगा। और ये सभी खाली जगह में भरे जाएंगे, ये सभी खाली जगह में भरेंगे। और अब है उत्तर दो। उत्तर दो में यहाँ पर करना है कि अर्थ के साथ सर्वनाम शब्दों का मिलान कीजिए। तो अर्थ के साथ सर्वनाम शब्दों का मिलान करने के लिए यहाँ पे पहले अर्थ देखेंगे और उसका वचन देखेंगे और सर्वनाम शब्द क्या हो सकता है ये खोजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है वे दो, वे दो यहाँ पे पुल्लिंग है क्योंकि लड़के लिखा है और इसके लिए सर्वनाम शब्द हो जाएगा तौ। और वे सब यहाँ पे लड़कियाँ, बहुवचन है इसलिए लड़कियाँ हो गया, तो यहाँ पे ता। वह यहाँ पे एक लड़की के लिए प्रयोग किया गया, एक वचन है और लड़की यानी ये स्त्रीलिंग का है तो यहाँ पे सा का प्रयोग करेंगे। और तुम सब यहाँ मध्यम पुरुष आ गया और मध्यम पुरुष में जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए ही एक ही शब्द का प्रयोग होता है, एक ही पद का प्रयोग होता है। तो तुम सब ये बहुवचन है इसलिए यूयम, यूयम आ जाएगा, यूयम से मिलाएंगे इसे। अब आ गया मैं, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का है और इसलिए मैं के लिए अहम का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पे अहम, और हम सब यहाँ पे बहुवचन है तो वयम हो जाएगा, अहम आवाम वयम होता है, तो आवाम द्विवचन में, वयम बहुवचन में, और हम दो यानी कि उत्तम पुरुष का द्विवचन, हम दो ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष एक ही रहता है, केवल प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम दो के लिए आवाम का प्रयोग हो जाएगा, अहम आवाम वयम होता है, और फिर है यहाँ पे तुम, और तुम के लिए त्वम का प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष एकवचन। तुम जो है शब्द मध्यम पुरुष एकवचन में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर किया है, और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, और तीसरे प्रश्न में खाली जगह भरना है, रूप दिया हुआ है, विभक्ति बताया गया है, और उसे देख के पूरा करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग उत्तर तीन। अब हम लोग यहाँ पर उत्तर तीन करेंगे, और उत्तर तीन में एक वचन द्विवचन और बहुवचन खाली जगह भरना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर हमें लिखना है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय यहाँ पे हम लोग विभक्ति लिखेंगे, यहाँ विभक्ति द्वितीय है, उसके बाद तृतीय है, तृतीय है, फिर षष्ठी है, सप्तमी है, षष्ठी और सप्तमी। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले द्वितीय देखेंगे, माम, माम पहले से लिखा हुआ है, माम आवाम अस्मान, माम आवाम ये खाली जगह में भरना है, अस्मान, और अब है तृतीया विभक्ति मया, यहाँ पर मया खाली जगह में भरना है, मया आवाभ्याम ये पहले से लिखा हुआ है, और अस्मा भी, और षष्ठी में है अस्माकम पहले से लिखा है, यहाँ पे मम आवयोह ये भी खाली जगह में भरना है, आवयोह अस्माकम हमारा, अस्माकम मतलब हमारा, ये पहले से लिखा है, तो ये दोनों हम लोग को खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सप्तमी विभक्ति, जिसमें मई, मई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, आवयोह खाली जगह में भरना है, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन एक जैसा होता है, और अस्मासु यहाँ पर अस्मासु लिखना है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा प्रश्न किया मई आवयोह अस्मासु, और अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, प्रश्न चार हम लोग करेंगे, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित विभक्तियों में युष्मत के रूप पूरे कीजिए। तो युष्मत का रूप पूरा करना है, जो तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक वचन द्विवचन बहुवचन यही रहेगा, और विभक्ति में यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा विभक्ति, और प्रथमा विभक्ति में यहाँ पे त्वम पहले से लिखा हुआ है, ये एक वचन द्विवचन यही तालिका नीचे तक चली जाएगी,
जैसा कि इसमें बना हुआ है लिखने के लिए, त्वम पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद हमें लिखना है द्विवचन में युवाम, खाली जगह में भरना है, और यूयम बहुवचन में यूयम। तो इस तरह से ये भी खाली जगह में भरा जाएगा बहुवचन में। और अगला हम लोग देखते हैं क्या दिया है यहाँ पर। अगला दिया है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ पे लिखा है पहले से युवाभ्याम, द्विवचन पहले से लिखा है युवाभ्याम, तो यहाँ पर हो जाएगा तुभ्यम, तुभ्यम युवाभ्याम, ये पहले से लिखा है, और ये खाली जगह में भरा जाएगा तुभ्यम, और युष्मभ्यम। ये भी खाली जगह में भरेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हम लोग त्वत् पहले से लिखा है, और युवाभ्याम ये खाली जगह में भरना है, और युष्मत। ये भी खाली जगह में भरना है। और अब यहाँ पे षष्ठी विभक्ति करेंगे। षष्ठी विभक्ति में यहाँ पे युष्माकम पहले से लिखा हुआ है, पहले दूसरे में हम लोग को भरना है। तव मतलब तुम्हारा, युवयोह तुम दोनों का, युवयोह तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। तो इस तरह से यहाँ पर ये खाली जगह भरा गया प्रश्न 4 का। तो अब हम लोग आगे का प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जिसमें लिखा है कि उपयुक्त सर्वनाम द्वारा रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो सही सर्वनाम भरना है इसमें, तो इसको हम लोग मिटा कर आगे हम लोग प्रश्न 5 करेंगे। सभी बच्चे इसे खाली जगह में भर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे उत्तर 5। और उत्तर 5 के क्रम में गृहम, तो गृहम नपुंसकलिंग शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा इदम, यहाँ पे खाली जगह में इदम हो जाएगा। और फिर है कमलानी, ये भी नपुंसकलिंग है, कमलानी बहुवचन है, इसलिए हम लोग तानी को चुनेंगे बहुवचन। ग है गजाह, ये बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा ते, पुल्लिंग का बहुवचन, सह तऊ ते होता है। और अब है महिले, तो यहाँ पर महिले जो है द्विवचन है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर हम लोग ते का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते होता है। और फिर है फलम, एकवचन है नपुंसकलिंग का, तो इदम। तो ये हो गया प्रश्न 5। और प्रश्न 6 हम लोग यहाँ पर करेंगे, उत्तर पूरे कीजिए प्रश्न 6 का। तो यहाँ पे एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिया है, विभक्ति दी हुई है, विभक्ति एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें जो है पहले द्वितीय दिया हुआ है, जिसमें कि किम एक वचन में है, क्योंकि प्रथमा द्वितीय एक जैसा होता है, किम के कानी, तो यहाँ पे द्विवचन हो जाएगा के, और कानी हो जाएगा बहुवचन में, किम के कानी। द्वितीय के बाद दिया है तृतीय, और तृतीया में यहाँ पे दिया है अनेन,
अनेन इनके द्वारा आभ्याम आभ्याम खाली जगह में हो जाएगा ए भी। और अब है यहाँ पर यस्याह तृतीया के बाद है यहाँ पे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में यहाँ पे दिया है यस्याह ययोह और यासाम, ये सब खाली जगह में आ जाएगा, ये खाली जगह में आ जाएगा। और अब है षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे ये हेडिंग डला हुआ है और षष्ठी विभक्ति में हम लोग करेंगे यस्य दिया है, यस्य एक वचन में यस्य और द्विवचन में हो जाएगा ययोह और बहुवचन में येशु। तो इस तरह से यहाँ पर खाली जगह भरा गया है। यहाँ पे यस्य ययोह ये शाम हो जाएगा, नहीं षष्ठी विभक्ति में यस्य ययोह ये शाम, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति है ये शाम। यस्य ययोह ये शाम, तो यहाँ पर पंचमी में ययोह यासाम यस्याह ययोह याभ्यः, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है यस्याह का, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति में यस्याह याभ्याम, यहाँ पर याभ्याम हो जाएगा पंचमी में याभ्याम, पंचमी में यास्याह याभ्याम याभ्य, यहाँ पर याभ्य हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूप पूरा किया गया पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।